फैक्ट नंबर वन, ओ भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया यार, हारते तो सारे हैं, इतनी बुरी तरीके से कौन हारता है। गाइज अगर आपको भी टीम इंडिया के हारने का दुख है और हद से ज्यादा है, तो उस हार को पचाने के लिए चार काम आप कर सकते हो। पहला, ठंडा पानी पियो और कुछ देर शांत रहो। दूसरा, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और अच्छा म्यूजिक सुनो। तीसरा, कुछ दिन अपने दोस्तों के सामने क्रिकेट एक्सपर्ट बनने से परहेज कर लो। और चौथा, अपनी गलतियां और अपनी हार को याद कर लो। याद आ जाए तो उन खिलाड़ियों को माफ कर दो जिनकी वजह से टीम इंडिया हारी है। और अगर अभी भी गुस्सा आ रहा है या दुखी हो, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करो और अपनी सारी भड़ास निकाल लो। यही आप लोग के लिए ठीक रहेगा। अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है ना। फैक्ट नंबर टू, गाइज आज का थार रेगिस्तान कभी समंदर हुआ करता था। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। जैसलमेर के बांदा गांव में मिले भेल, शाख और मगरमच्छ के दांतों और कछुए के मिले अवशेषों के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि थार रेगिस्तान के रेगिस्तान बनने का किस्सा प्रभु श्री राम से जुड़ा है? जी हाँ गाइज, कहा यह जाता है कि जब प्रभु श्री राम को अपनी सेना लंका ले जानी थी, तब उन्होंने समुद्र से रास्ता छोड़ने के लिए 3 दिन तक समुद्र की तपस्या की। लेकिन उनके दर्शन न देने पर श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। तब समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। अब श्री राम का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन धनुष पर चढ़े ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ला जा सकता। तब समुद्र देव ने श्री राम से कहा कि मेरे उत्तर में द्रुम्यतुल्य नाम की एक जगह है, जहां ढेर सारे राक्षस रहते हैं जो मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं, आप उनका विनाश करें। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने उसी दिशा में अपना बाण छोड़ दिया और कहा कि अब ये जगह मरुस्थल में बदल जाएगी। और ऐसा ही हुआ।